नाउ फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजय पथ पे। आज फिर से हम ऑनलाइन आ चुके हैं, तो आज हमारे साथ जो है मिस्टर आयुष हैं, जो आपको कंटिन्यू लेक्चर्स करेंगे, जो हमारे इंग्लिश के लेक्चर्स रहेंगे, तो मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप जो इसके इंग्लिश के लेक्चर्स रहेंगे वो कंटिन्यू कर रहे हैं मिस्टर आयुष। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। आज आपको मैं इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, समझ ही आ रहा है? एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई एग्रीमेंट है कि किस टाइप का सब्जेक्ट लगेगा तो हम कैसा वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसके एक बाय एक 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 करके इनके सारे रूल्स हम देखेंगे। पहला रूल, रूल वन, अगर एक नाउन हो साथ में एंड हो एंड फिर नाउन हो, मतलब एक नाउन और एक और नाउन बीच में एंड, इस केस में हम आगे हमेशा आगे एक वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लीजिए, राम एंड श्याम आर कमिंग। देखिए, एक नाउन राम था, दूसरा श्याम था, तो इस केस में दो अलग अलग नाउन हैं, तो हमने वर्ब प्लूरल यूज़ की, यानी कि आर यूज़ करी। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है। जैसे मैं आपको दूं एग्जांपल, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अब मैं लिखा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यहाँ पर टाइम एंड टाइड एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है। जब ये एक फ्रेज की तरह काम करेगा तो हम इसको एक एज अ सिंगल यूनिट मानेंगे, तो यानी कि हमारे पास जब वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर ऐसे केस में हमारे पास फ्रेज हो जो एंड के साथ हो, उस केस में हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब हम आते हैं अपने सेकंड रूल में, रूल टू। अब एक सब्जेक्ट है हमारे पास और एक और सब्जेक्ट है, पर इनके बीच में अलग अलग वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, एज वेल एज, अलोंग विद, ये अलग अलग हैं, विद, इन एडिशन टू एंड नो लेस देन, ऑल्सो टुगेदर विद, इनमें से कोई एक वर्ड हो और इन दोनों को सब्जेक्ट हमारे पास अलग अलग हो, इस केस में हमारे पास वर्ब किस अकॉर्डिंग आएगी? हम इस केस में फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर ये सिंगुलर हुआ तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर ये प्लूरल हुआ तो हम प्लूरल लगाएंगे। मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जांपल, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टू द पार्टी। अब राम क्या है? सिंगुलर, और हिज फ्रेंड्स प्लूरल। इस केस में हम एज वेल एज लगाए, तो यानी कि हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे जो क्या है, राम। राम सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब सिंगुलर, मींस इज कमिंग टू द पार्टी। अगर प्लूरल होता, जैसे कि मैं लिख दूं टीचर्स अलोंग विद प्रिंसिपल डैश कमिंग फॉर मीटिंग, इस केस में क्या हो गया? अब यहाँ टीचर्स है, क्यों क्या हो गया? प्लूरल है, तो इस केस में हमारा जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, यानी कि आर, क्योंकि यहाँ हमारा टीचर्स क्या है? प्लूरल है, और ऊपर सिंगुलर था। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर टू, आई होप आपको समझ आ रहा है। नाउ रूल नंबर थ्री, पहले हमने पढ़ा अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इस टाइप के वर्ड्स। इसमें हमने क्या देखा था? फर्स्ट सब्जेक्ट देखा था। अब हमारे पास क्या वर्ड्स हैं? आपने सुना ही होगा ईदर, और ईदर का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? और के साथ। सिमिलरली नीदर, इसका कॉम्बिनेशन नॉर, और नॉट ओनली ऑब्वियसली बट ऑल्सो, जैसे कि इसके बीच में एक सब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू। अब ये वर्ड्स हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, और बीच में एक सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू। इस केस में हमने उस पिछले रूल में देखा था कि हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखा था, इस केस में हम सब्जेक्ट टू को देखेंगे। मीन्स कि जो वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, मेरा मतलब इस वाले को देख कर हम लगाएंगे। जैसे ईदर ही और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। नाउ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हिज फ्रेंड्स एंड ही दो हैं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इस केस में हमने लगाया है आर, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के सेकेंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि यहाँ हिज फ्रेंड्स है, डैट इज प्लूरल, प्लूरल है, फ्रेंड्स लगाए एस है। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या लगेगा? आर, हमने सेकेंड के अकॉर्डिंग हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया है।
ये हमारा है रूल नंबर 3। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने रूल नंबर 4 की साइड। आई होप आपको ये समझ आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। इससे एक एक क्वेश्चन तो हर पेपर में आता है, जैसे कि कोई भी एग्जाम होगा, बैंकिंग का हो, SSC का हो या आर्मी का हो, किसी ना किसी को तो आएगा आएगा एक क्वेश्चन इसका। हाँ जी, तो रूल नंबर 4, अब देखिए एक सब्जेक्ट है और एक और सब्जेक्ट है, पर इस केस में क्या हो गया, इसके साथ एक आर्टिकल लगा है। आई होप आपको पता होगा आर्टिकल्स क्या होते हैं। इसको मैं मानकर चलूंगा कि आपको पता है आर्टिकल क्या है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अ एंड दो जो हम नॉर्मली लगाते हैं, तो अब क्या मैंने कहा ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और दोनों के साथ आर्टिकल लगे हैं। इस केस में क्या होगा, हमारा वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आपके पास दो अलग अलग आर्टिकल्स लग जाए सब्जेक्ट के साथ, तो यानी कि वो दो अलग अलग लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ द क्रिकेटर एंड द पेंटर, मैंने दो सब्जेक्ट्स लिए और दोनों के साथ मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल्स लगा दिए हैं, दोनों के साथ लगे हैं। इस केस में मैं वर्ब प्लूरल करूँगा, इसका मतलब ये है कि क्रिकेटर एक अलग इंसान है और पेंटर एक अलग इंसान है, यानी कि दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं ये। क्रिकेटर अलग इंसान है, पेंटर अलग इंसान है, इसलिए हम क्या यूज़ करें, वर्ब प्लूरल, आर कमिंग टू द इवेंट। क्या हुआ, आर लगा है, क्यों लगा है, दो अलग अलग हमारे पास एंटिटीज हो गई हैं जब आर्टिकल्स अलग अलग कर देते हैं। इसी कॉरस्पॉन्डिंग हम दूसरा रूल ले लेते हैं। अब क्या हो गया, चलो इसको भी हिरा देते हैं। अब मैंने क्या कर दिया हुआ है, दो सब्जेक्ट्स ले लिए, पर इस बार क्या हुआ, मैंने एक के साथ आर्टिकल लगाया, मतलब दो सब्जेक्ट्स हैं बट आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लगाया। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वर्ब अब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर आर्टिकल्स अलग अलग लगे हैं, इसका मतलब मैं दो अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूँ, बट अब दो सब्जेक्ट्स हैं और सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये एक इंसान की बात कर रहा है। अगर मैं लिखूँ द क्रिकेटर एंड पेंटर, ठीक है, द क्रिकेटर एंड पेंटर मीन्स जो क्रिकेटर है वही कौन है, पेंटर है। तो द क्रिकेटर एंड पेंटर इज कमिंग, क्यों, क्योंकि अभी एक ही इंसान है, जिस बंदे की क्वालिटी क्रिकेटर है, जो क्रिकेटर है वही क्या है, पेंटर ही है। अगर मैं यहाँ पर द लगा देता, इसका मतलब ये इंसान अलग, ठीक है, तो हमने वर्ब प्लूरल यूज़ किया था, बट अब मैंने क्या लगा दिया, द एक साइड लगा दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ लगा दिया और सेकेंड के साथ नहीं लगाया है। इस केस में जो क्रिकेटर है वही कौन है, पेंटर है, तो हमारा वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। नाउ हमारा अगला रूल, रूल नंबर 5। अब देखिए आपने रिलेटिव प्रोनाउंस, आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये चीज़ें आती हैं, तो अब मैं थोड़ी रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, या आपने शायद पढ़ा हो, सो नॉट रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए ईदर नीदर ईच एंड एवरी, जब ये वर्ड्स आएंगे ना, इनके आगे हमेशा आपने नाउन कैसी लगानी है, नाउन हमेशा आपकी होगी सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर है तो यानी कि वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ईच बॉय इज अटेंडिंग माय क्लास। अब क्या हुआ, मैंने ईच लगाया, मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच। अब इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, बॉय, नाउन सिंगुलर, मैंने बॉयज नहीं यूज़ किया, मैंने बॉय यूज़ किया है, तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वर्ब क्या कहा आपको, सिंगुलर है, यानी कि बॉय इज अटेंडिंग माय क्लास। वो ये देखिए वर्ब सिंगुलर एंड माय नाउन इज आल्सो सिंगुलर, ठीक है, मतलब ईच एवरी ईदर नीदर के साथ हमेशा आपका नाउन सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जो हमारा रूल नंबर 6 बनेगा, क्या मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या हुआ, देखिए यही वर्ड्स हैं, ईदर नीदर ईच एवरी, बट इसके आगे ना हमारा ऑफ लग गया, ओ एफ ऑफ। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में हमारा नाउन कैसा हो जाएगा, जैसे हमने जब ऑफ नहीं लगाया था तो हमारा नाउन सिंगुलर था, बट ऑफ लगाने से हमारा नाउन हमेशा प्लूरल में आएगा, और उस केस में हमने जब ऑफ नहीं लगा था, नाउन सिंगुलर रखा था, वर्ब भी सिंगुलर रखा था। इस केस में अगर नाउन प्लूरल हो गया, बट माई फ्रेंड्स इसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, ईच एवरी नीदर नीदर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे आप। जैसे मैंने आपके प्रीवियस एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, अब देखिए मैंने क्या लगाया, ईच और आगे लगा दिया ऑफ, और नाउन क्या हो गया मेरा, प्लूरल हो गया, ईच ऑफ द बॉयज इज अटेंडिंग माई क्लास।
कुछ नहीं किया, सेम चीज़ है, बस क्या हो गया, ऑफ लग गया, उसके अकॉर्डिंग मैंने नाउन क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, बट मैंने वर्ब हमेशा, मतलब वर्ब उसमें मैंने सिंगुलर रखा था, इसमें भी हमारा वर्ब क्या आता है, सिंगुलर ही आता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप ज़रूर पढ़िए, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आना ही आना है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, अब हमारा है कोई वर्ड स्टार्ट हो मैनी अ से, अब हमारे पास क्या है मैनी अ, इस केस में हमारा नाउन कैसा रहेगा सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैनी अ, जो मैंने लिखा मैनी अ, अब नाउन सिंगुलर यानी मैनी अ सोल्जर, आई एम नॉट राइटिंग सोल्जर्स, मैं लिख रहा हूँ सोल्जर मीन्स सिंगुलर, मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ ऑन द बैटल फील्ड। देखिए मैंने यहाँ पर हिज का यूज़ किया है, मतलब क्या हो गया कि जो मेरा नाउन जिस फॉर्म में होगा तो मैं ऑब्वियसली प्रोनाउन भी उसी फॉर्म में यूज़ करूँगा, मतलब कि मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ ऑन बैटल फील्ड। अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और एडप्ट कर सकते हो, प्रोनाउन के साथ आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू नाउन, या यहाँ पर सिंगुलर है तो मींस की सिंगुलर, अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी उसी टाइप से अकॉर्डिंग यूज होगा, यानी कि प्रोनाउन इज सिंगुलर एंड वर्ब इज ऑल्सो अ सिंगुलर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे एक और एडिशन कर लीजिए, रूल नंबर 7 लिखिए, हमारा रूल नंबर 7, अब हमने यूज किया था मैनी अ, अब मैं यूज करूंगा वर्ड अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, ठीक है। अब हमने मैनी अ यूज़ किया था, उसमें हमारा नाउन क्या था सिंगुलर था और वर्ब भी हमारी सिंगुलर थी, इस केस में हमारा नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल ही होगा, तो यानी कि अ ग्रेट मैनी नाउन प्लूरल, तो यानी कि हमारा वर्ब भी प्लूरल, जैसे कि अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स हैव, देखिए नाउन कैसा आया प्लूरल, वर्ब भी कैसी आई है प्लूरल, अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स हैव मेट देयर, अब मैंने कॉमन नाउन सॉरी कॉमन प्रोनाउन लगा दिया हुआ है क्योंकि मैंने क्या यूज किया सोल्जर्स हैव मेट देयर डेथ ऑन द बैटल फील्ड, ठीक है। समझ आया होगा आपको मैनी और ग्रेट मैनी में क्या डिफरेंस था, अ ग्रेट मैनी में हमने नाउन भी सिंगुलर रखी थी और वर्ब भी सिंगुलर रखी थी, और अ ग्रेट मैनी में हमारा नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल, नाउ नेक्स्ट रूल, अब हमारे पास वर्ड्स हैं, मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ दो रूल्स को एक साथ ही लेकर चलता हूँ, रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 7, अब हम यूज करेंगे अ नंबर ऑफ और यहाँ पर द नंबर ऑफ, अब हमारे पास दो वर्ड्स सॉरी दो स्टार्टिंग्स हैं अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, इस केस में क्या होगा हमारा नाउन प्लूरल होगा और इस केस में भी हमारा नाउन प्लूरल ही होगा, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास थोड़ी सी ट्रिक है कि द नंबर ऑफ के साथ हमारा वर्ब सिंगुलर होगा और इस केस में भी हमारा वर्ब इस केस में हमारा वर्ब प्लूरल होगा, याद रखिए अ नंबर ऑफ है तो हमारा नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल होगी, और द नंबर ऑफ में हमारा नाउन प्लूरल होगा बट वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी मैंने नंबर लास्ट में थोड़ा समय कर लेता हूँ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, अब देखिए क्या हुआ, मैंने सेंटेंस किससे स्टार्ट किया अ नंबर ऑफ से, तो मैंने नाउन कैसे लगाई प्लूरल लगाई, ठीक है, और साथ में वर्ब भी कैसे लगाई प्लूरल लगाई आर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं द नंबर ऑफ एब्सेंटीज, वहां मैं स्टूडेंट से लिया मैंने एब्सेंटीज थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, द नंबर ऑफ एब्सेंटीज, अब वर्ब कैसी आएगी यस सिंगुलर, द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, देखिए अब नाउन क्या हो गया प्लूरल बट वर्ब कैसी है सिंगुलर, किस केस में द नंबर ऑफ केस में, और अ नंबर ऑफ केस में नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। नाउ नेक्स्ट रूल, ये आपके रूल 8 हो चुके हैं, आई होप आपको समझ आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने 8th रूल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, रूल नंबर 9। क्या होता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, देखिए अगर मैं लिखूं, अब हम बात करते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी की, क्या होता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, देखिए जैसे मैं एक लिखूं द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज डैश इंक्रीजिंग
इस टाइप की बहुत गलतियां लोग करते हैं. कैसे स्टूडेंट्स कैसे गलतियां करते हैं, मैंने लिखा टोमेटोज तो लगते हैं प्लूरल है, चलो प्लूरल लगा देते हैं, आर या वर्ड जो भी लगना होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी. पर हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर टोमेटोज की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है. और कॉस्ट क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगेगी. यहाँ हम टोमेटोज की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि टोमेटोज की कॉस्ट की बात कर रहे हैं. द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज इज इंक्रीजिंग. क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट की बात है, टोमेटोज की बात नहीं है. इसलिए हमेशा अवॉइड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. टोमेटोज की बात नहीं हो रही थी, कॉस्ट की बात हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ द प्राइस ऑफ कार्स डैश इंक्रीजिंग, सेम ही है. अब यहाँ पर आप बोलेंगे कार्स है, बट कार्स की बात नहीं हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं. यानी प्राइस क्या अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, इज द प्राइस ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है. अब हम आगे रूल पे चलते हैं अपने. अब अगला रूल है रूल नंबर 10. अगर हमारा सेंटेंस नथिंग बट के साथ अकॉर्डिंग बट नथिंग बट के साथ स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे. जैसे कि नथिंग बट शुगर इज द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट किसी में भी. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, नथिंग बट लगा तो इसके आगे हम अपना वर्ब कैसा यूज करेंगे, इज, मतलब सिंगुलर यूज करेंगे. नथिंग बट के आगे हमेशा हम कैसे यूज करेंगे, वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे. यानी कि हमने इस सेंटेंस में शुगर के आगे कैसा हेल्पिंग वर्ब लगाया, इज लगाया. ठीक है, ये हमारा हो गया रूल नंबर 10. अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 11 की. ये थोड़ा हमारा नाउन से रिलेटेड है, बट है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही. आपको मैं आपको यही मान के चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता है, थोड़ा बहुत ग्रामर की नॉलेज है, तो आपको एडजेक्टिव्स के बारे में ही पता होगा. थोड़ा बता देता हूँ एडजेक्टिव्स क्या होता है, जब मेरी नेक्स्ट वीडियोज आए करेंगी तो उसमें मैं आपको और क्लियर करूँगा. एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं. जैसे मैं बोलूँ ही इज पुअर, तो ही यानी वो इंसान कैसा है, पुअर है, तो पुअर उसकी क्या होगी, क्वालिटी होगी. मैं बात करूँ इंजर्ड मैन, मैन क्या है, इंजर्ड है. मैं बोलूँ ही इज चार्मिंग, मतलब वो कैसा इंसान है, चार्मिंग इंसान है, तो ये क्या होगी, क्वालिटीज हो गई. ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बता रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स. और एडजेक्टिव्स के आगे अगर हम द लगा देते हैं ना, जैसे मैं लिखूं द पुअर, द पुअर. ठीक है, अब द पुअर मींस क्या हो गया, कि द पुअर एक पुअर नहीं, जब द के आगे एडजेक्टिव लगता है इसका मतलब ये एक कम्युनिटी शो करेगा. कम्युनिटी मतलब कि ऐसे लोग, या फिर कहूंगा इस क्वालिटी के लोगों के बारे में बात करेगा. जैसे बोलूं द पुअर, या फिर मैं बोलूंगा द रिच, या मैं बोलूं द ऑनेस्ट, मतलब क्या हुआ कि ये कह सकते हो एक समूह है, किसका, गरीब लोगों का, द पुअर, द रिच अमीर लोगों का समूह है, और द ऑनेस्ट जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लोग हैं उनका समूह है, या उनकी कम्युनिटी है. इस केस में जब द के साथ एडजेक्टिव लगता है और कम्युनिटी शो करते हैं, उस केस में हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे. जैसे द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, मैंने क्या लिखा, द पुअर आर वेरी वेरी ऑनेस्ट आर. ठीक है, ये मेरा एडजेक्टिव के साथ द लगा तो मेरा एक कम्युनिटी बना, और उसके साथ मैंने वर्ब कैसी लगाई, आर. मैं आगे लिखूँ द रिच आर ग्रीडी. आई एम सॉरी, मैं किसी को तर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को कुछ सूझा नहीं तो मैंने ये कह दिया. ऐसा होता नहीं है, बट मैंने लिखने के लिए लिख दिया एग्जाम्पल देने के लिए. द रिच आर ग्रीडी. अब द रिच क्या हो गया, एक एडजेक्टिव के साथ द लगा के कम्युनिटी, और उसके आगे मैंने लगा दिया आर, यानी कि वर्ब प्लूरल. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की. आई होप आपको यहाँ तक रूल समझ आ गए, मैंने आपको अभी तक 10 रूल्स करवा चुका हूँ. अब हम बात करते हैं आगे के रूल्स की. अब हम बात करेंगे रूल नंबर 11 की. अब क्या होता है कि हम कुछ विश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे वर्ड्स होते हैं, इफ, सुना ही होगा आपने, एज इफ, या फिर विश, या फिर हमारा होगा वर्ड इवन दो. जब हम कोई चाहने की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं आई विश आई डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब ऑब्वियसली मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो बन नहीं सकता एक साथ, एकदम तो नहीं बन नहीं पाऊंगा, बट मैं विश कर रहा हूँ कि मैं, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता. इस केस में हम वर्ब कैसे यूज करेंगे. ठीक है, अब ये ध्यान रखना, हमारे पास कुछ भी यहाँ दिया हो, आई दिया हो, यू दिया हो, ही दिया हो, शी दिया हो, कुछ भी दिया हो, इस केस में हमारा वर्ब कैसा यूज होगा, हमारा वर्ब सिर्फ वर्ड लगेगा, वर्ड, डब्ल्यू ई आर ई. आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जब मैं कोई विश की बात करूंगा, कुछ चाहने की बात करूंगा,
तो मैं क्या लिखूंगा, आई वर द, मैं लिखूं इफ यू डैश द किंग ऑफ इंग्लैंड यू वुड रिजॉल्व दिस मैटर, या मैं विश कर रहा हूँ कि काश तुम इंग्लैंड के किंग होते तो तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। तो इस केस में भी चाहे आई लगाओ चाहे यू लगाओ, मैंने वर्ब क्या लगानी है, मैंने वर्ड लगानी है हमेशा। इफ यू वर द किंग ऑफ इंग्लैंड यू विल रिजॉल्व दिस मैटर, हमेशा जब भी आप चाहने की बात करोगे या फिर इन वर्ड्स की यूज करोगे, इफ एज इफ विश इवन दो, इस केस में हमेशा आपका वर्ब क्या लगेगा, सिर्फ वर्ड ही लगेगा। ठीक है, अब एक और लास्ट रूल, हमारा लास्ट रूल जो है रूल नंबर 12। अब क्या रूल है ये, हम इसको ऑल के साथ लगाएंगे। देखिए ऑल, अब जैसे मैं बोलूं ऑल इज गुड, ठीक है इज लगा दिया, या फिर मैं लिखूं ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है मेरे सारे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, या माय फ्रेंड्स हटाओ, या मैं लिखता हूँ ऑल हैव गॉन टू दिल्ली। अब मैंने हैव क्यों लगाया है, इज क्यों लगाया, देखिए ऑल हमारे दो चीज़ों में लगेगा, ऑब्वियसली एक जो चीज़ काउंटेबल होगी और एक अनकाउंटेबल होगी, ठीक है। जब अनकाउंटेबल होगी ना तो हमेशा हमारी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, वर्ब क्या यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया ऑल इज़ गुड, क्यों नहीं लिखा मैंने ऑल आर गुड, क्यों, क्योंकि गुड को हम क्वालिटी है एक तरह की, उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते कि एक गुड दो गुड तीन गुड, नहीं हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। इस केस में हमने क्या लगाया, इज लगाया है, ठीक है। अब ऑल हैव गॉन टू दिल्ली कि वो सारे दिल्ली गए, अब जाने वाले तो लोग हैं उनको तो हम काउंट कर ही सकते ना, अब उस केस में हमने क्या करा, फिर हमने काउंटेबल के केस में हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, ऑल हैव गॉन टू दिल्ली। तो ये हमारा आखिरी रूल था, आई होप आपको समझ आया होगा। यहीं पर बस हम अब खत्म करते हैं अपना लेक्चर। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिस वजह से जो है आपको जो है हमारी नई नई वीडियोस इसमें आती रहेंगी। नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।